शिवराज को साइडलाइन करना बीजेपी को पड़ा भारी। शिवराज के आंसू तूफान से पहले की खामोशी, इस दिग्गज नेता ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए मुख्यमंत्रियों के नाम के ऐलान के बाद आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भाजपा पर निशाना साधा है। आरजेडी नेता ने कहा है कि ये कोई कास्ट बैलेंस नहीं, ये मोदी शाह की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा, आज जिस तरह से आंसू निकल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी की आंखों से और वसुंधरा राजे जी की आंखों से, रमन सिंह जी की आंखों से, ये तो आने वाले तूफान के पहले की खामोशी है। जी हाँ, मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा कि बीजेपी इन सभी राज्यों को रिमोट से चलाना चाहती है और सब लोगों ने देखा कि भारी दुखी मन से जो तीनों लोग अपने अपने राज्यों के वरिष्ठ नेता थे उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया, ऊपर से जो आदेश आया उस पर्ची को खोल करके जबरन फैसला थोप दिया गया, आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर बड़ा बवंडर दिखाई देगा। वहीं राजद नेता ने कहा कि बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि ये मोदी शाह की चाल है और वहीं सारे फैसले लिए जा रहे हैं, अब इसका खामियाजा बीजेपी को 2024 में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा, अब तो दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह राज्यों को भी चलाएंगे, अब तो यही लग रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से पुराने लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है, उससे साफ संकेत है कि बीजेपी में भारी बगावत देखने को मिलेगी। हिटलर शाही जब नहीं चली तो मोदी शाही क्या चलेगी।